भगवान शिव से प्रेम करने वाले सभी भक्तों के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा संदेश है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर हिंदू हो तो कमेंट में जरूर बताना जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं। क्या आपको भगवान शिव ने कहा है कि आप मांसाहारी भोजन करो? नहीं ना तो फिर क्यों करते हो? अब कुछ लोग कहने में कहने या ना कहने से क्या होगा, ये हम अपने स्वाद के लिए खाते हैं। तो जब आप खाते हो तो सावन के महीने में क्यों छोड़ देते हो? इनसे आखिर आपको डर है? आश्विन के महीने में क्यों छोड़ देते हो मांसाहारी भोजन करना? जब आपको इतना ही प्यार है मांसाहारी भोजन से तो फिर इससे आखिर आपको डर है? क्या भगवान शंकर से आपको डर लगता है या फिर माता दुर्गा रानी से डर लगता है जिसके डर की वजह से आप मांसाहारी भोजन एक महीने के लिए बंद कर देते हैं? खाना है तो फिर हमेशा ही खाना। जब आपको किसी का दर्द है कि मैं चुप नहीं होता तो फिर क्या करोगे? वही बात है। दूसरी तरफ मुसलमान भाई तो आखिर वो भी रमजान के महीने में मांसाहारी भोजन छोड़ देते हैं क्यों? उन्हें भी अगर अल्लाह ने कहा है तो चाहे खाओ तो फिर हमेशा खाओ, रमजान के महीने में क्यों छोड़ते हैं? इनसे पर उनके सुनने वाला कोई नहीं होता है। इसीलिए बाबा जी गुरुदेव जी महाराज जी कहते हैं कि आप सब लोग शाकाहार का सेवन कीजिए, मांसाहार जैसी खराब चीजों का त्याग कर दीजिए। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है आप लोग जो शराब पीते हैं वो क्या अच्छी चीज है? वह शराब जैसी जहरीली और सबसे खराब चीज दुनिया में कोई नहीं है। जो आप शराब पीते हो वह शराब बनाने किस किस जहरीले पदार्थों से बनाई जाती है जो अपने आंकड़ों पैसों और कई चीजों को खराब कर देती है। जो शराब होती है अगर वो आप अगर गंगा जल में बनाए तो भी वो अपवित्र ही होगी। शराब एक ऐसा नशा है जिसे आप अपने माँ बहन बेटियों की पहचान भूल जाते हो और उनका हाथ पकड़ने को ऐसा कृत्य कर देते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कृत्य करने के बाद जो कर्म होता है कभी उसकी माफी मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी कहते हैं नशीले पदार्थों एवं शाकाहार अपनाइए, नशीले पदार्थों का त्याग कीजिए। क्या आपने कभी सोचा? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी कहते हैं आगे ऐसे ऐसे भयंकर बीमारियां जिसका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं होगा, जिसका एक छोटा सा नमूना आप लोगों ने इस कोरोना महामारी में देखा ही होगा कि डॉक्टर लोगों को बीमारी का पता नहीं चल रहा था, कितने लोग चींटी मकोड़ों की तरह मर गए। क्या आपको ये सोचा है कि यह जनसंहार क्यों हो रहा है? उम्र आपसे सब नाराज हो चुकी है कि आप लोग इतना मांसाहार का सेवन कर रहे हो। क्या आप लोग हे जगत निवासी हो, आप जिस किसी भी देवी देवता या धर्म को मानते हो गए, क्या कभी वो महापुरुष ने कभी भी किसी भी शरीर पदार्थ हो या मांसाहार का सेवन किया है? नहीं किया है। अगर आप उनको चंदा मांगने वालों की रेली यह मथुरा निवासी परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की रेली है। हम यहाँ आपको शाकाहारी संदेश सुनाने आए हैं। हो सकता है यह संदेश सुन के आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी कहते हैं कि नगर निवासियों, क्या अगर आपने कभी सोचा है कि आपके अगर एक छोटी सी उंगली कट जाती है तो आपको कितना दर्द होता है? शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे।
Thank you.